दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। 4 साल की बच्ची को रेप के बाद पूरे शरीर पर दांत से काटा, फिर पटक पटक कर मार डाला। महाराष्ट्र के पुणे में हैवानियत की इंतहा का मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने 4 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप किया। उसके बाद उसने बच्ची के पूरे शरीर पर दांतों से काट खाया और उसे जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। स्कूल से लौट रही नाबालिग को अगवा कर गाड़ी में किया गैंगरेप। राजस्थान में दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। सीकर के मुंडरू में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। 17 साल की पीड़ित की मां ने बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने और वीडियो बनाने का मुकदमा दर्ज किया है। राजस्थान में पड़ोसी ने दी पत्नी को भगाने की धमकी, तो पत्थर से कुचल कर दी हत्या। राजस्थान के अलवर जिले के टप्पूकड़ा में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 10 घंटे में खुलासा कर दिया है। आरोपी रवि वाल्मीकि की पत्नी पर मृतक सदानंद शर्मा बुरी नजर रखता था और उसकी पत्नी को भगा कर ले जाने की धमकी दे रहा था। इस पर आरोपी ने सदानंद की हत्या कर दी। बिहार के रोहतास में 15 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या। बिहार में अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। रोहतास में 15 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का शक मनचलों पर है। बताया जा रहा है कि लड़की मंदिर जा रही थी, तभी कुछ युवकों ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।